प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के अंदर, नंबरदार और चौकीदार। आप जानते हैं कि जब मिलिटेंसी पीक पर थी और 1995 में खासकर जब गवर्नमेंट एजेंसियों के पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं थे कि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर की मिल सके, तो उस वक्त हमने कहा था कि नंबरदार चौकीदार दो ग्रास रूट ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनके पास गांव के अंदर किसका जन्म हुआ, कब हुआ, कौन मरा, कौन रात को ठहरा, किसके घर किसने खाना खाया, कौन नया आदमी गांव के अंदर एंटर हुआ है, ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी नंबरदार चौकीदार के पास होती है। और जब तक ये इन्फॉर्मेशन ना हो एजेंसीज के पास, फोर्सेस के पास, तो क्या ग्राउंड लेवल पर हो रहा है उन पहाड़ों के अंदर जगह, वो इनको पता नहीं लगता। सबको दुनिया मान सकती, सब गलत नहीं होते, अच्छे भी लोग होते हैं, मशकूक भी होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास चाहिए। और उसको लेकर डोगरा सदर सभा ने, आपको याद होगा, सेक्रेटेरिएट के सामने संघर्ष किया, लाठीचार्ज भी हम पर हुआ, और उसके बाद असेंबली के अंदर, काउंसिल के अंदर मैंने भी जब शोर डाला, तो फिर जाकर इन्होंने उन दोनों इंस्टीट्यूशन को ज़िंदा किया। और ज़िंदा करने का फ़ायदा क्या हुआ वो आप सबको पता है, वो मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं और करना भी नहीं चाहता मैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर की आ गई। जब माइग्रेशन हो गई लाखों की तादाद में कश्मीर से, तो फोर्सेस को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, कोई बताने वाला नहीं था, और ये नंबरदार चौकीदार सो गए थे, नंबरदार चौकीदार ने किया। और फिर इनको मिलता क्या था, आप हैरान होंगे, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि एक इंसल्ट थी, इनको रिम्यूनेशन जो मिलता था वो 80 रुपये चौकीदार को और 81 रुपये नंबरदार को मिलते थे महीने के। वो भी 81 का, आपकी वो कहानी बड़ी अद्भुत है, शेख अब्दुल्ला के टाइम जब नंबरदार उनके पास गए कि हमारी बड़ी बेइज्जती है और चौकीदार की और हमारी पे एक जैसी है, तो उसने कहा आपका 1 रुपया बढ़ा देते हैं, 81 रुपये इनकी हुई थी। तो इसलिए हमने डिमांड की कि ये इंसल्ट है, इन इंस्टीट्यूशन का रिवाइवल होना चाहिए, इनको ज़िंदा करो, एम्पावर करो और इनको फैसिलिटी दो। तो हमें खुशी है, उस वक्त फिर ऑफिसर्स की कमेटी बनी, मैं भी था साथ, और फिर फैसला हुआ कि 300 और 301 रुपया। और फिर उसके बाद हम जब गवर्नमेंट में आए, मैं भी वहाँ था, तो फिर फैसला हुआ कि इनको 501 और 500, फिर 701 और 700, और उसके बाद 1501 नंबरदार का और 1500 चौकीदार का। अब इस वक्त है, आज आपके सामने इन नंबरदार चौकीदार दो बहुत ही अद्भुत और इम्पॉर्टेंट ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन की बात मैं आपसे दो विषयों पर करना चाहता हूँ। एक तो आज फिर हम अंधेरे में हैं, आज गाँवों में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कम्युनल टेंशन बन रही है, और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन वहाँ पर ऐसे अफवाहें फैला रहा है, ये सब चीज़ें इनसे मिल सकती हैं। और आज फिर उनके साथ ज्यादती है, ना तो उनका टाइम का जो कुछ देना था उनको वो मिल रहा है, ना उनके साथ जो हमने फैसला करवाया था फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो हमने 6 जनवरी को इस मसले को उठाया था, LG साहब को भी मेलें की, रिक्वेस्ट भी की, और यहाँ चीफ सेक्रेटरी को। और हमें खुशी है कि 12 जनवरी को अब चीफ सेक्रेटरी ने आर्डर निकाला है, हमारी उस बात को मानते हुए उसमें लिखा है सारे ऑफिसर को, रेवेन्यू ऑफिसर को, कि इन दोनों इंस्टीट्यूशन को, नंबरदार और चौकीदार को ज़िंदा करो, इनको स्ट्रेंथन करो। यहाँ BDG इन्होंने बनाई, और वहाँ पर साथ ही ये भी उन्होंने आर्डर किया कि ये 31 जनवरी के पहले पहले इनको पूरी तरह से स्ट्रेंथन करो, और ताकि ये इंस्टीट्यूशन दोनों फंक्शन कर सकें।